अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास जो एग्जाम्स के 20-25 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 20-25 दिन में हमने इतना करना है कि हमें डेली दो पेपर देने हैं, एक मॉर्निंग सेशन में, एक अपने कोचिंग का, ये पूरा रहेगा, और एक ऑल इंडिया लेवल पे कम से कम कंपेरिजन हो पाए कि भाई ऑल इंडिया लेवल में कैसा एग्जाम चल रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चले कि भाई हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। उसके लिए एक पेपर जो हम लोगों ने LNKTET से ली है वो हम तुम्हें भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, एक सुबह देना है, एक शाम को देना है, और उसके बाद हम एनालाइज कर लेंगे बैठ के, शाम को जब डिस्कशन करेंगे पेपर का कि भाई ये दिक्कत है, यहाँ या ये टॉपिक नहीं आ रहे। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले मान लो तुम्हारा वो स्क्रू गेज वाली प्रॉब्लम होती थी, है ना, और पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर्स में जो होते नहीं थे, सर्किट बने होते थे, तो उनकी करंट कैसे जाएगी, IC IB ये सब का, तो वो एक डिस्कशन हो ही गया। तुम्हें उसमें पूरे नीट वाले जो पूरे क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी तुमने डन कर लिए, है ना, जो 30 ईयर वाली बुक भी तुमने कम्प्लीट कर ही डाली है, है ना। तो ये सब चीजें हम मिला के ओवरऑल डील कर लेंगे ताकि ये लास्ट में कुछ बचे ना, है ना। और जितना तुम वर्क हार्ड वर्क कर रहे हो यहाँ पे, दो दो पेपर देने में लोगों की हालत खराब हो जाती, एक पेपर लोग नहीं देते, तुम दो दो पेपर दे रहे हो, तो मतलब ये एक खतरनाक वर्क है जिसको पूरा कम्प्लीट कर रहे हो। तो स्कोर की कोई टेंशन मत लो, तुम लोग बढ़िया स्कोर आएंगे, 600 के ऊपर आराम से निकलोगे और 100% आओगे, है ना। तो ये तुम्हारा जो इतना अच्छा चल रहा है और इतना बढ़िया प्रेजेंट कर ही रहे हो तुम सब चीजों को, 600 के ऊपर तो कोई रोक सकते ही नहीं, 630, 640, 650 के आसपास आराम से स्कोर कर जाओगे। कोई 1% बस टेंशन मत लेना, किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर दिमाग में टेंशन आई तो रिजल्ट खराब होगा, बस इतना समझ लो। तो टेंशन नहीं लेनी, कूल रहना है, कोई समस्या हो, कोई भी चीज हो, तुम कहीं फंस रहे हो, कोई दिक्कत है, आराम से हम रात दिन तो कनेक्टेड रहते ही हैं, कभी व्हाट्सएप पे, यहाँ पे हम लोग मिलते रहते हैं, तो कभी भी कोई भी तुम्हें ऐसे ब्लॉकेज आए कि नहीं यार इसमें कोई दिक्कत हो रही है, थोड़ी बेचैनी हो रही, फोन करो, बात करेंगे 10 मिनट का, बात समझ में। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव अप्रोच से जाना, इससे ज्यादा अच्छी वो चीज है नहीं। और जितना है, जितना हमने करा है, वो हार्डवर्क तुम्हारा है, तुमने रात दिन मेहनत करी है, वो काउंट करेगा ही करेगा। मेरा तो क्या था कि तुम लोगों को बस एक अच्छा रिजल्ट निकालना, एक गाइडेंस देना, मेहनत तो तुम्हारी है ना। मैंने तो जहां जहां तुम्हें दिक्कत आ रही थी कि ये प्रॉब्लम्स है, ये चीजें हैं, हमने तुम्हें उस पर गाइड किया। फाइनली एकदम मजे से करो, और अभी भी हमारे पास 20 दिन जो है उस पर हम ये और साफ कर लेंगे अपने दिमाग को, बस बात खत्म, ठीक है ना। आंसू कोई दिक्कत नहीं, एकदम डन, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ओके। तो ये पेपर कंप्लीट करो, इस पेपर में जो भी डाउट होते हैं मैं भी एक लेक्चर लेके फिर वो डिस्कस करूंगा, ओके, डन, ठीक है बेटा।